हेलो, वेलकम टू माय चैनल जेडी ऑर्बिट। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, टॉप 5 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स एंड सर्जन इन पटना, अरे हड्डी रोग विशेषज्ञ पटना में। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ जो पटना में अवेलेबल हैं उनमें से 5 टॉप डॉक्टर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हड्डी रोग के डॉक्टर क्या क्या करते हैं और सर्जरी क्या होता है, इस विषय पर हम जो है आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो उनको भी इन हड्डी रोग के डॉक्टर से संपर्क करने में आसानी हो। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या है। और दोस्तों, ऑर्थोपेडिक या ऑर्थोपेडिक्स मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली के उपचार पर केंद्रित है, जिसमें हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, नसों और यहाँ तक कि त्वचा भी शामिल है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के कई अलग अलग प्रकार हैं जो जन्म दोष से लेकर गठिया तक किसी भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों, जोड़ों, स्नायु बंधन, टेंडन और मांसपेशियों संबंधी विकारों का रोकथाम, निदान और उपचार के लिए काम करते हैं। ये सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दो तरह से उपचार करते हैं। तो दोस्तों, आप अभी जाने के ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या होती है। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और टॉप 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं।
दोस्तों अभी आप देख रहे थे टॉप 5 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स इन पटना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क करने में ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जाते जाते मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।